नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू फ्लूट्स में। दोस्तों अगले वीडियो में हमने देखा फ्लूट में से कैसे साउंड निकालना, और हमने तीव्र मुह ऐसे हमने तीव्र मुह की प्राप्ति की थी। तो मैं चाहता हूँ आज हम उसके आगे वाला जो लेसन है वो देखें, और इसमें से कैसे हम सुर निकालें वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद। तो अब हम फ्लूट कैसे पकड़नी है, कैसे बैठना है, ये सब सीखने वाले हैं, और कैसे उसमें से हम स्वर निकालेंगे वो आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हो, आपने देखा होगा, जब मेरे वीडियोस आपने देखे होंगे या फिर किसी और के देखे होंगे, एकदम बिल्कुल ऐसे सीधे बैठ के वो नहीं बजाते। हमें ऐसे बैठना है और फिर मुंह को ऐसे थोड़ा करना है। ये भाग हमारा इस तरह रहेगा, मुंह थोड़ा इस तरह रहेगा, क्योंकि हमारे हाथों की स्थिति ऐसी है, इसलिए इस तरह से बैठना हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा। तो सबसे पहले हमें फ्लूट में से सा कैसे निकलना है, हमारे बाएं हाथ की जो ये तीनों उंगलियां हैं वो हमें बंद रखनी है। ये बाएं हाथ की तीनों उंगलियां हमें बंद रखनी है, और उसके बाद धीरे से हमें हल्के से फ्लूट लगानी है। ये सा जो है वो मध्य सप्तक का सा है, इतना आपको ध्यान में रखना है। हमारे तीन सप्तक है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अभी जो हमने सा बजाया वो है मध्य सप्तक का सा, वो अभी आपको ध्यान में रखना है। अगले वीडियो में आप वैसे भी समझ जाएंगे। और फिर उसके बाद तो हमारे बाएं हाथ की ये दो उंगलियां बंद है, दाएं हाथ की सभी उंगलियां खुली है, बाएं हाथ की दो और जो हमारी अनामिका उंगली है वो भी खुली रखेंगे, तो हमें रे की प्राप्ति होगी। उसके बाद बाएं हाथ की हमारी जो मध्यमा उंगली है उसको भी हम खुली करेंगे। तो बाएं हाथ की हमारी सिर्फ एक उंगली बंद है, बाकी सभी उंगलियां खुली है, बाकी सभी छिद्र भी खुले हैं, तो हमें ग मिलेगा। और फिर बाएं हाथ की जो ये उंगली है हमारी तर्जनी, उसको हमें आधा खोलना है, आधा खुला है, बाकी सब होल खुले रहेंगे, तो ये हमें शुद्ध मध्यम प्राप्त होगा, शुद्ध मध्य सप्तक का शुद्ध म। ये सभी स्वर हमने अभी बजाए सा रे ग, ये सभी स्वर मध्य सप्तक के, उसके बाद मध्य सप्तक का म हमें मिलेगा। ये हमारा था म। उसके बाद सभी उंगलियां हम बंद रखेंगे, दाएं हाथ की और बाएं हाथ की, तो हमें प स्वर मिलेगा, पंचम, जो हमारा पंचम होगा। ये हमें पंचम मिला, मतलब प, ये हमारा मध्य सप्तक का प है। फिर दाएं हाथ की हम अनामिका उंगली खोलेंगे, लास्ट वाली उंगली राइट हैंड की, तो हमें ध मिलेगा। उसके बाद ये मध्यमा उंगली खोलेंगे दाएं हाथ की, तो हमें नी की प्राप्ति होगी, नी, निषाद। उसके बाद फिर से सा हमें मिलेगा, पर ये सा मध्य सप्तक का नहीं होगा, ये तार सप्तक का सा है, और इसकी जो निशानी है, इसका जो चिन्ह है वो सा के ऊपर एक बिंदी लगी हुई होगी, वो मध्य सप्तक के सा से दो गुना ऊपर होगा। तो ये मिले हमें सातों स्वर। और दोस्तों दूसरी बात, ये मैंने अभी आपको बोला था तीन सप्तक है, तो पूरे तीन सप्तक हमें बांसुरी में नहीं मिलेंगे, मंद्र सप्तक के नी ध और प मिलेंगे,
तार सप्तक के सहारे गौरमुख पर वो मिलेंगे, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज वाला वीडियो है वो इससे अगला होगा और उसमें हम प से प का रियाज करेंगे। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी सुर हम बजाएंगे तो उसमें टू टंगिंग करके ही शुरुआत में हम बजाएंगे, टंगिंग के बिना भी बजाना है, लेकिन क्या है हम शुरुआत से ही उसका प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आगे जाके हमें टंगिंग में कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसलिए अभी मैंने जो अलंकार बजाया वो टंगिंग के साथ था, सिंगल टंगिंग बजाया था मैंने, टू 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 टू। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, टू करके बजाया और टंगिंग के बिना भी बजाना है हमें, ये टंगिंग के बगैर था और अगला जो था वो टंगिंग के साथ था। तो दोनों प्रकार से हमें प्रैक्टिस करनी है इस अलंकार की, साथ साथ। और अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं प से प कैसे बजाना है, सभी अलंकार सभी एक्सरसाइज हमें प से प में ही बजानी है और आपको मेरे साथ ही बजानी है।
हूँ।